फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। सो बच्चे, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो तरीके के रिएक्शंस होंगे। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है, जबकि डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के बने हुए प्रोडक्ट्स का यूज होगा और वो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होता। ठीक है, तो जो डार्क रिएक्शन है उसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है, और इसमें जो फूड की फॉर्मेशन होगी उसके दो पाथवे हैं, जिसमें से जो पहला पाथवे है, पहला साइकिल है, उसको हम C3 साइकिल कहते हैं, और साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर इसको हमने केल्विन साइकिल का भी नाम दिया। तो ये C3 का क्या मतलब है भाई? देखिए, जब भी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलेगा, लेकिन उस साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है वो, इसीलिए इस पूरे साइकिल का नाम C3 साइकिल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर C3 साइकिल होगा कहाँ पर भाई? मेसोफिल सेल में। हमें पता है लीव्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करेंगे, एंड दीज आर मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स के और कुछ सब्सटेंसेस के नाम बताऊंगी। एक यहाँ पर क्या होता है, RUVP, जैसे कि मैं पूरा नाम लिख रही हूँ, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका काम क्या है, जो एटमोस्फेरिक CO2 है, यानी कि एटमोस्फेयर से आने वाली जो CO2 है उसको उसके साथ कंबाइन करना। ठीक है, और इस पूरे इस रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है रुबिस्को। कौन सा एंजाइम है? रुबिस्को। तो यहाँ पर जो RUBP होता है एक्चुअली, है ना, तो वो क्या था, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है उसका जो यहाँ पर लास्ट में CO है वो क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो बच्चे, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का मतलब क्या है कि वो CO2 यानी कि कार्बन, CO2 और ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन करने की एबिलिटी को रखता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर CO2 की मैं बात कर रही हूँ तो क्योंकि वो इजीली एटमोस्फेरिक CO2 के साथ जुड़ सकता है, तो जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होगा उस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सीलेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हो रहा है, दिस इज कार्बोक्सीलेशन, एंड कार्बोक्सीलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2। तो आप कुछ सोचिए, 5 कार्बन का ये कंपाउंड था, एक और कार्बन बाहर से आ गया, तो हमारे पास 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, कौन से एंजाइम की मदद से? रुबिस्को की मदद से हो रहा है। लेकिन ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है बच्चे, ये ब्रेक डाउन कर जाता है 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब 3 कार्बन का एक कंपाउंड यहाँ बना, 3 कार्बन का एक कंपाउंड यहाँ बना, और ये सबसे स्टेबल प्रोडक्ट होता है इस पूरे साइकिल का, इसीलिए इस पूरे पाथवे को हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल। और जो कंपाउंड यहाँ पर बना है उसका नाम है PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बना है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और उसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो मैं यहाँ पर बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम समझ जाएंगे कि 3, मतलब यहाँ पर जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है कितने हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन। तो देखिए अब क्या होगा, अब जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन। जो सेकंड स्टेप है वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो ATP है ना, एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ADP प्रेजेंट था, सॉरी ATP का यूज कर रहे हैं हम, और क्या प्रोड्यूस होगा, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर ATP बनेगी थोड़ी, ATP तो ऑलरेडी बन चुकी है, हम उस ATP का यूज करके ही तो फूड बना रहे। ठीक है, मैंने गलत बोला, तो यहाँ पर ATP है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि किस चीज में कन्वर्ट हुई, ADP में। एनर्जी भी तो चाहिए ना हमको। अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन के दौरान जो NADPH था लाइट रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट, वो किस में बदल गया, NAD+ है। और ये दोनों किसके अंदर हो रहे हैं, सेकंड स्टेप में, विच इज रिडक्शन। तो अब क्या होगा भाई, हमारे पास ट्रायोज शुगर प्रेजेंट है। ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन की जो शुगर होती है ना, तो 3-3 कार्बन की 2 शुगर हमारे पास थी, लेकिन जब रिडक्शन हुआ तो ATP से यहाँ पर ADP बन गया और NADPH से NAD+ बन गया। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर फॉस्फोरस की तो एडिशन हो रही है, ये जो 3 कार्बन की शुगर है पहली और जो 3 कार्बन की शुगर है दूसरी,
इन दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड क्या करेगा, एक कार्बन को रिलीज कर देगा, एक कार्बन को रिलीज कर देगा। तो हर एक साइकिल में एक कार्बन रिलीज होता रहेगा। ये क्यों रिलीज हो रहा है? ताकि ये कार्बन आगे चल के रिड्यूस हो जाए शुगर में, ठीक है, और जिस ग्लूकोज की, जिस शुगर की फॉर्मेशन हम करना चाहते हैं वो बन जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीन कार्बन, ये भी तीन कार्बन, लेकिन इसमें से एक कार्बन निकल गया तो दो कार्बन ही तो बचे। तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, यानी कि जब रीजनरेशन होगा, तो रीजनरेशन के दौरान हमारे पास फाइव कार्बन का ही तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ऐसा क्यों? क्योंकि CO2 का एक्सेप्टर कौन है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये C3 और ये C2 आपस में कंबाइन करेंगे, और जो थर्ड स्टेप हमारा होता है, दिस इज रीजनरेशन। क्या स्टेप है? रीजनरेशन। और इसी थर्ड स्टेप में ही एक ATP कंज्यूम हो रही है, और वो किसमें बदल जाएगी, ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर देखा है C3 साइकिल, जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि एक्सेप्टर है CO2 का, एटमॉस्फेरिक CO2 का, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को मेसोफिल सेल के अंदर। रुबिस्को की प्रेजेंस में राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जुड़ता है CO2 के साथ। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ CO2 का मतलब कार्बोक्सिलेशन। तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना, लेकिन वो स्प्लिट कर गया तीन तीन कार्बन में, है ना, मतलब दो मॉलिक्यूल बन गए तीन कार्बन के, और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिला है वो तीन कार्बन का मॉलिक्यूल है PGA। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या, रिडक्शन, जिसमें ATP और NADPH का यूज कर रहे हैं, और फॉस्फोरस रिलीज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे रिडक्शन के बाद ये जो तीन तीन कार्बन की शुगर थी, इन दोनों में से कोई एक शुगर अपना कार्बन रिलीज कर रहे, कर दिया रिलीज, तो पांच ही तो कार्बन बचे, और ये पांचों कार्बन रीजनरेशन करते हैं ATP का यूज करके, और किसमें बदल जाते हैं, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्लियर है? अब मैं अगर ये पूछूं कि कितनी ATP लगी इस पूरे प्रोसेस में, तो देखो क्योंकि यहाँ पर दो PGA है, टू मॉलिक्यूल्स है, तो ATP भी तो यहाँ पर दो यूज हो गई, तो भाई टू से तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और एक ATP यहाँ पर यूज हो गई। तो जब एक कार्बन के आने पर 3 ATP का यूज हुआ है, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए 6 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, 6 बार ये साइकिल चलेगा तभी तो हमें 6 ग्लूकोज मिलेंगे। पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो यहाँ पर एक कार्बन ही मिला है हमें, तो जब तक ये साइकिल 6 बार नहीं चलेगा तो 6 कार्बन मिलेंगे कैसे, नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब एक साइकिल में, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जब एक साइकिल में, वन साइकिल, बताइए एक साइकिल में कितनी ATP यूज हो गई, 3 ATP। तो भैया ये साइकिल तो 6 बार चलेगा, तो 6 साइकिल में एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, और ATP जो टोटल लग जाएगी वो होगी भाई 18 ATP। तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितनी ATP का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर 18 ATP का यूज होता है। ठीक है, तो C3 पाथवे, यानी कि केल्विन पाथवे, जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है जब ये साइकिल 6 बार चलेगा। तीनों मेजर स्टेप्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, C3 और C4 में कई बार डिफरेंस आ जाता है, और नहीं तो खाली C3 3 मार्क में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।